चुकी है स्क्वाड, ट्राई बाइज आएंगे, वोल्ट ऑफ जाएंगे और यहाँ से कंफर्मेशन भी आपको बड़े आराम से होती दिखेगी उन दोनों ही प्लेयर्स की, और अरमान वो अब निकल जाएंगे यहाँ पे। देखिए अपनी टीम के लिए आपने इनिशियल पॉइंट्स निकाल लिए, दैट्स अ गुड थिंग, शुरुआत करिए, दैट्स अ गुड थिंग, बट अपने प्लेयर को गवाइएगा बस मत स्प्रिगॉट के द्वारा। अभी बड़ा गए आगे रॉनी जैसे खिलाड़ी अगर है तो इतना आसान तो देखिए वो पुश एग्जीक्यूट करना भी नहीं होने वाला लग तो रहा है, बट अभी के लिए जो भी है भगदड़ में इसका फायदा तो शायद मेरे ख्याल से टीम एक्स चले जाते, लेकिन रीजन क्या है वो 18 सेकंड समय ज्यादा नहीं है, अगर वो फाइट के लिए जाएंगे भी तो शायद सर्कल के अंदर नहीं पहुंच पाए। सरदार जी एग्री करता हूं, सर्कल की जो एंट्री है वो नामुमकिन के बराबर लगभग नामुमकिन दिख रही है। अंडरडॉग नंबर 2 कोब्लेन, वो मोलोटोव का प्रकोप इन पे चलता दिखेगा, मुझे लगा था बाल बाल बचे बट नहीं, चलती दिखी वो मोलोटोव, लगती दिखी वो मोलोटोव और सारंग के द्वारा ओवेस को डाउन किया, एक और मोलोटोव है, हल्का ध्यान रखिए ग्रेनेड हर तरफ चलते दिखेंगे जरूर, लेकिन टीम फॉरएवर का भी यहां पर एलिमिनेशन होता हुआ दिखेगा। अब यहां से बात करें एक अच्छा नेट सारंग का, सारंग ना सिर्फ टीम फॉरएवर को बाहर किया, अब यहां से एक और फाइट कार्निवल के साथ भी चलेगी और सारंग डाउन करेगी, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे बट ग्रेनेड्स तो आपको देखिए सीजी के द्वारा भी चलती दिखेंगी, प्रयास पूरा पूरा रहेगा हर जगह से, बस वो वैल्यूज ही वैल्यूज, सारंग की वो डीबीएस रुकने का नाम नहीं ले रहे सारंग, लॉबी के अंदर तहलका ये खिलाड़ी मचाता हुआ, जलजला सलाता हुआ निंजा जॉर्ड, काफी ज्यादा भार है आपके कंधों पे, वैल्यू निकालनी पड़ेगी और निंजा जॉर्ड विल डिलीवर, विल एक्चुअली गेट दैट फिनिश और इसी के साथ बाहर करेंगे टीम एक्स, पाक का भी सफर खत्म करेंगे और अब टीम रेकनिंग है साथ के साथ